मित्रों और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो सॉन्ग है मैं तुम्हारा रहा, दिल बेचारा मूवी से, सुशांत सिंह जी की लास्ट मूवी है अनफॉर्चुनेटली, और इसको कंपोज किया है एआर रहमान जी ने। तो पहले मैं आपको सुना देता हूं कि किस तरह से इसकी धुन है, और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको रिटर्न में नोटेशंस मिलेंगी जो मैं आपको थोड़े दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो आइए एक बार सुनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्ले करना है। ये फ्लूट है जी बेस, मेरी ही कंपनी की शिव्स म्यूजिक फ्लूट है, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने लिंक दी हुई है। तो आइए देखते हैं एक बार। सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जो गाने के बोल हैं, तुम ना हुए मेरे तो क्या, ठीक है, तुम ना हुए मेरे तो क्या। तो जैसे हम तीन होल क्लोज करके सा मानते हैं, तो सिंपल तरीके से बजाने के लिए फ्लूट पर मैं आपको बताऊंगा कि आप दो होल क्लोज करके उठाइए इस सॉन्ग को। तो ये नोट होता है रे नोट, जब हम इसको सा मानते हैं तो ये होगा रे, ये होगा ग, ये होता है म शुद्ध, और जब सारे ओपन किए तो म तीव्र होगा। तो सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आप इसको रे बोल रहा हूं, ये ग और ये मध्य, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो उठाना है सॉन्ग वो रे नोट से उठाना है। तुम ना हुए रे गारे मातीव्र, ठीक है, जो मातीव्र है उसको मैं मा ही बोलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तुम ना हुए, वापस पीछे की तरफ आना है, जैसे तुम ना हुए, यहां पर हम आगे की तरफ गए रे ग म, ठीक है, अब वापस आपको पीछे की तरफ आना है। मेरे तो क्या, फिर से देखिए, मेरे तो क्या। अब इसमें आपको क्या करना है, ग सा और नी, अब जो नी है वो लो ऑक्टिव का, यानी कि पीछे की तरफ, आप जब सुनते हैं वैसे ही आपको पता लग जाना चाहिए कि कहां पर वो हाई ऑक्टिव हो रहा है, कहां पर लो ऑक्टिव हो रहा है। तो जब मेरे तो क्या, आवाज मोटी होती जा रही है यानी कि पीछे की तरफ, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी कि लो ऑक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पहचानने की कोशिश करना है। फिर से देखते हैं, ठीक है दोस्तों, यहां तक हुआ। नी नोट पर आपको ठहरना है, यानी कि जब वापस आएंगे मेरे तो क्या, तो जो क्या वर्ड है वो आएगा नी नोट पर, गा गा सा नी। अब जो ग से आपको स पर जम करना है, मेरे तो क्या, तो यहां पर टुकड़ों में नहीं करना है, एक फ्लो बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए, मेरे तो क्या। तो इस तरीके से फीलिंग आती है सॉन्ग में, और जो हमने ब्रिज बनाया उसको बोलते हैं मेंड, म्यूजिक टर्म्स में उसका नाम है मेंड। जब आप दो नोट से उसको कंटिन्यूसली कवर करके आते हैं, कवर करते हैं नोट्स को, उसको हम बोलते हैं मेंड। जैसे यहां पर मैं ग नोट से सा पर आया, ठीक है दोस्तों, मैं चाह सकता था तो डायरेक्ट भी आ सकता, ये नॉर्मल हुआ। अब मीड का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप गाने को अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं तुम्हारा, ठीक
इसमें आपको क्या करना है कि जो लो ऑक्टेव का नी है वहां से ही मैं तुम्हारा रहेगा, मैं तुम्हारा। अब देखिए नीरे सानी नीरे सानी। अब मैं तुम्हारा रहा, इसमें और पीछे जाना है यानी कि ध नोट तक जाना है लो ऑक्टेव का। फिर से देखिए प्ले किया है उसको एक बार समेटते हैं यानी कि पूरा एक साथ प्ले करते हैं। अब इसके बाद मेरी चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा, ये ध नोट ये सा नोट, ध से आपको जंप करना है सा नोट पर। धा सा नी धा जो एंडिंग है वो रे नोट पर होगी। फिर से देखिए धा नी धा नी सारे रे रे सारे रे रे। यहां पर आपको एंड करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है रिश्ता रिश्ता वाला जो समुद्र वाली लाइन है वो भी आपको इस तरीके से प्ले करना है क्योंकि जो उसकी धुन है वो सेम तरीके से है। तो एक बार फिर से सुना देता हूं जो पूरी कंपोजिशन है। इसी तरीके से आपको ट्राई करना है प्ले करने का, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।